हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा दोस्तों HSG टेस्ट को लेके, कि HSG टेस्ट क्या होता है दोस्तों, ये टेस्ट क्यों कराया जाता है दोस्तों, HSG टेस्ट हमें कब नहीं कराना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, काफी नॉलेजेबल होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों जो आज का हमारा टेस्ट है, कि HSG टेस्ट क्या होता है। दोस्तों इस टेस्ट को लेकर ना काफी जो टेक्नीशियंस हैं, जो फ्लेबोटमिस्ट होते हैं, वो काफी कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि HSG ह्यूमन सीमेनोग्राम भी लिखा जाता है। डॉक्टर कई बार HSG अगर सीमेन एनालिसिस कराना है तब भी ज्यादातर डॉक्टर HSG लिख देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कौन सा टेस्ट करूं। दोस्तों HSG जो आज मैं यहां पर बात करने वाला हूं, ये एक टाइप का सोनोग्राफिक टेस्ट होता है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, इसी तरह का एक टेस्ट होता है जिसको HSG टेस्ट, या दोस्तों इसको हिस्टेरोसोल्पिंगोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इसका जो पूरा नाम होता है वो हिस्टेरोसोल्पिंगोग्राफी बोलते हैं इसको। दोस्तों ये एक फ्लोरोस्कोपिक प्रोसेस होता है जो यूट्रस के साइज के बारे में जानकारी देने के साथ साथ हमें ये फॉलोपियन ट्यूब्स में किसी टाइप का कोई ब्लॉकेज है वो भी बताता है। यानी कि अगर हमारे यूट्रस के अंदर कोई किसी टाइप की प्रॉब्लम है, साथ ही हमारे फॉलोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज है, तो ये हमारी हेल्प करता है इसको डायग्नोस करने में। दोस्तों फॉलोपियन ट्यूब एक सिलेंडर के साइज की ट्यूब्स की एक पेयर होती है, ठीक है। दोस्तों एग जो है वो इसी ट्यूब के माध्यम से ओवरी से यूट्रस तक जाता है। दोस्तों फ्लोरोस्कोपी एक एक्सरे नुमा है, जैसे कि एक एक्सरे किया जाता है या अल्ट्रासाउंड किया जाता है, लगभग कुछ ही इसी टाइप से ही इसका भी टेस्ट किया जाता है, जिसकी मदद से दोस्तों महिलाओं के यूट्रस और फॉलोपियन ट्यूब की जांच की जाती है। इस टाइप के एक्सरे में एक विशेष टाइप की डाई, जिसे हम दोस्तों कॉन्ट्रास्ट मेटेरियल बोलते हैं, तो इसका एक इंजेक्शन के द्वारा शरीर के अंदर डाला जाता है। दोस्तों इसमें इसके बाद जो हमारे आंतरिक ऑर्गन्स हैं, जो आंतरिक अंग हैं, उनको देखने के लिए उन्हें एक्सरे रेडिएशन के संपर्क में लाया जाता है। जब ये डाई शरीर के अंदरूनी ऑर्गन से होकर गुजरती है तो कुछ कुछ निश्चित स्थान मॉनिटर पर दिख रहे होते हैं हमें, ठीक है, एक एक्सरे फिल्म में दोस्तों व्हाइट कलर में दिखने लगते हैं। इस दौरान दोस्तों जो हड्डियों जैसे मोटे टिश्यूज हमें भूरे रंग के दिखाई देते हैं, साथ ही दोस्तों जबकि जो हमारे लंग्स जैसे टिश्यूज हमें काले कलर में दिखाई देते हैं। दोस्तों कंट्रास्ट डाई की हेल्प से हमारे जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, एवं कुछ टिश्यूज हैं, ठीक है, इनके अंदर कोई गड़बड़ी या किसी एबनॉर्मलिटी का आसानी से पता लगाया जा सकता है। दोस्तों नॉर्मली एक्सरे में केवल एक फिल्म को चेक किया जाता है, जबकि फ्लोरोस्कोपी में एक्सरे वाले चित्र जो पिक्चर है ये किसी वीडियो की तरह, मतलब एक लगातार चलते हुए हमें दिखाई देती है, ठीक है। दोस्तों इसे यूट्रोसेल्पिंगोग्राफी के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि इसको यूट्रोसेल्पिंगोग्राफी भी बोलते हैं। दोस्तों आमतौर पर जब कोई जैसे फर्टिलिटी हो जाती है या इनफर्टिलिटी के कॉजेस जानने के लिए HCG टेस्ट ज्यादातर कराया जाता है। जब जैसे कोई नियमित रूप से एक साल तक अगर कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, या दोस्तों और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके से कई बार कोई महिला है वो अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही है, उनको कोई इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम महसूस हो रही है, तो उस कंडीशन में ये टेस्ट सबसे ज्यादा कराया जाता है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों आगे कि ये टेस्ट हमें कब नहीं कराना चाहिए। दोस्तों HCG टेस्ट हमें कब नहीं किया जा सकता, जैसे कि कोई किसी को क्लाइमेडिया का इंफेक्शन हो रखा है, ठीक है, प्रेगनेंसी अगर है तो भी ये टेस्ट नहीं कराया जा सकता, ठीक है, बिना कारण ब्लीडिंग होने पर, यूट्रस या दोस्तों फॉलोपियन ट्यूब की कोई हाल में ही कोई सर्जरी हुई है, ठीक है, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज होने पर, तो कुछ इस तरह की कंडीशन होती है जहां पर हमारा HCG टेस्ट नहीं किया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि जो ये टेस्ट है HCG, ये टेस्ट कब किया जाता है, किन किन कंडीशंस में डॉक्टर इस टेस्ट को प्रिस्क्राइब करते हैं और क्यों किया जाता है। दोस्तों इसके लिए काफी सारी चीजें हैं जिनमें डॉक्टर इस टेस्ट को प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि दोस्तों यूट्रस की कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है, कोई यूट्रस में कोई प्रॉब्लम चल रही है, साथ ही दोस्तों फॉलोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज का आपको अगर पता लगाना है, आपको ऐसा डॉक्टर को लग रहा है कि आपके फॉलोपियन ट्यूब्स के अंदर किसी टाइप का कोई ब्लॉकेज है, इनफर्टिलिटी है, इनफर्टिलिटी के केसेस में सबसे ज्यादा ये टेस्ट किया जाता है, बार बार आपको मिसकैरेज हो रहा है, तो भी दोस्तों ये उसका कारण पता लगाने के लिए टेस्ट कराया जा सकता है, ठीक है। फॉलोपियन ट्यूब की अगर सर्जरी के इफेक्ट की जांच करने के लिए, जैसे कोई इन्फेक्शन या स्कार, इस तरह की प्रॉब्लम, साथ ही दोस्तों अगर कोई नसबंदी प्रक्रिया में ट्यूब बंद करना है तो भी, या फिर नसबंदी में कोई या कोई डिजीज में अगर आपको ये दोबारा से स्टार्ट करना है तो भी ये टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये होता है हमारा HCG टेस्ट।
क्योंकि कई बार ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एचसीजी दो तरह का होता है दोस्तों, हस्बैंड सीमेनोग्राम भी एचसीजी बोला जाता है, उसके अंदर सीमेन एनालिसिस किया जाता है, वो भी दोस्तों ज्यादातर हमारा यही सेम केस रहते हैं कि जैसे किसी को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है या प्रेगनेंसी कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है तो भी डॉक्टर वो टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ ही दोस्तों जो एचसीजी होता है, हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी, ये भी टेस्ट हमारा ज्यादातर जो है इनफर्टिलिटी के केसेस में ही कराया जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।